की रघुवर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को लाभ हो रहा है। राज्य खादी बोर्ड ने 30 महिलाओं को समूह बनाकर पूर्वी सिंहभूम जिले में इसकी शुरुआत की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की रघुवर दास की जन कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। राज्य खादी बोर्ड ने 30 महिलाओं का समूह बनाकर पूर्वी सिंहभूम जिले में इसकी शुरुआत की है। सिलाई बुनाई और कढ़ाई से लेकर खादी वस्त्रों को बाजार में उपलब्ध कराने को लेकर यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बंद हो चुके इस योजना को सीएम रघुवर दास ने महिलाओं की भलाई के लिए फिर से शुरू किया। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार देने की कल्पना की है, उसी का एक ये कड़ी थी आज यहाँ पे, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण खादी ग्रामोद्योग द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कि आज करीब 30 महिलाओं को इसमें एंगेज किया गया है। खादी बोर्ड से प्रशिक्षण के लिए जुड़ी महिलाएं सरकार के इस पहल से खुश हैं। महिलाओं के अंदर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ललक साफ दिख रही है और इसी का नतीजा है कि महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हम लोग यहाँ पे सिलाई सीखते हैं। यहाँ पे रेडीमेड सिलाई होता है सर, शर्ट कुर्ता पजामा हम लड़कियों लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि आगे चल के हम लोगों के लिए जैसे कोई बहना यहाँ पे सिलाई सीख सकती हैं और उनके लिए घर चलाने के लिए बहुत अच्छी सेंटर है। आने वाले समय में पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को भी खादी बोर्ड प्रशिक्षण देने की योजना बना रहा है। रघुवर सरकार की पहल का ही नतीजा है कि आज सरकार की योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।